यूएई ने 7 अक्टूबर को इस्लामी निजी कानूनों में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। यूएई में गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने की इजाजत दी गई है और शराब पीने पर लगी पाबंदियों में भी ढील दे दी गई है। साथ ही सम्मान के खातिर हत्या को क्राइम घोषित कर दिया गया है। यूएई ने ऐसा व्यक्तिगत आजादी का दायरा बढ़ाने के लिए किया है जिसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पश्चिमी सैलानियों और कारोबारियों के लिए यूएई अपने आप को गगनचुंबी इमारतों यानी कि स्काई स्क्रैपर के तौर पर पेश करना चाहता है। ये बदलाव अमीरात के शासकों के देश में तेजी से बदलते समाज के साथ तालमेल रखने की कोशिश को भी दर्शाते हैं। ये घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता में यूएई की इसराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए हुए करार के बाद की गई है। इस संधि से देश में इसराइली सैलानी और निवेश आने की भी उम्मीद है। यूएई में बदलावों के तहत 21 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शराब पीने, बेचने और रखने पर दंड की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले लोगों को शराब खरीदने, ले जाने या घर में पीने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। वहीं नए नियमों से मुस्लिमों को शराब पीने की इजाजत मिलेगी जिन पर इसके लिए लाइसेंस लेने पर रोक थी। साथ ही अन्य संशोधन में गैर शादीशुदा जोड़ों को भी साथ में रहने की इजाजत दी गई है जो कि लंबे समय से यूएई में एक जुर्म था। सरकार ने सम्मान के लिए किए जाने वाले अपराधों को संरक्षण नहीं देने का भी फैसला लिया है। यूएई में इस्लामिक कानूनों में बड़ी राहत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।